हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबका करना चाहता हूँ धन्यवाद। जो भी मेरी आप YouTube फैमिली हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनके ऊपर चली जाए लक्कड़ के ऊपर। मेरी मम्मी भी करवा रही है काम। ये देखिए मेहनत जो है हमारी काफ़ी हद तक। ये बीन्स के पौधे हैं, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबका करना चाहता हूँ धन्यवाद। जो भी मेरी आप YouTube फैमिली हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 1.5 लाख प्लस मेरे व्यूज हो गए हैं टोटल वीडियो में। और सब्सक्राइबर कम होने के बावजूद भी सब्सक्राइबर जो है मेरे कम है, उसके बावजूद भी मेरी वीडियो 5.5 और 3.5, 2.9, 3.4 ऐसे ऐसे मेरी वीडियो चल रही हैं। तो मेरे सब्सक्राइबरों के अलावा भी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी जो मेरे व्यूज आ रहे हैं तो वो बढ़िया आ रहे हैं। 5,000, 4,500, 3,500, 2,500, 3,000 ऐसे आ रहे हैं व्यूज। तो तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग वीडियो देखें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा और काम करना है, मैं चलता हूँ काम करने, दिखाता हूँ अभी क्या काम करना है। मौसम भी हो रहा है यहाँ पर बारिश का, कल रात को भी बारिश आई, कल दिन में भी बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ पर लगी हुई। अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है, लेकिन फिर भी बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। बरसात चालू हो चुकी है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको क्या काम करना है। आ गया मैं खेत में, दिखाता हूँ अभी क्या काम करने वाला हूँ मैं। आज हमारे जो ये बीन्स, इनके ऊपर हमने लक्कड़ लगानी है ताकि इनकी जो बेल है ऊपर जाए। ये देखिए मेहनत जो है हमारी काफ़ी हद तक। ये बीन्स के पौधे हैं, अब इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट देनी पड़ेगी लकड़ी की। जैसे लकड़ी रखी हुई हमने, तो सब बल से यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके लगा देंगे तो इनको सपोर्ट मिल जाएगी, ऊपर तक आ जाएगी बेल पूरी। छीनी की बेल है और आगे भी अभी काम। ये देखिए ये जो है सुराग हो चुके हैं, ये हम इसके ऊपर लक्कड़ लगा रहे हैं इसे, ये देखिए, ताकि बेल जो है इनके ऊपर चली जाए लक्कड़ के ऊपर। मेरी मम्मी भी करवा रही है काम। सब्बल से पहले ये कर दिया, उसके बाद इसमें लक्कड़ डाल। ये वाला खेत जो मैंने परसों खुदाई करा था, इसमें भी हमने दाल बोई है, अभी छोटी छोटी हुई है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है दाल, अभी छोटी छोटी हुई है 3-4 दिन में। ये उस दिन मैंने खुदाई करी थी इस खेत की। एक खेत में आपको और दिखाता हूँ, इसमें लगाई है मैंने कल मिर्च, और इसमें भी बीन्स वगैरह बो रखी है, और मक्की भी बो दी कल, लेकिन मक्की तो अभी उगी नहीं, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बीन्स इसमें भी हो गई, ये मैंने मिर्च लगाई थी कल, अभी छोटे छोटे पौधे मिर्च के, बारिश होने लगी लगातार, अभी खिल जाएंगे एक दो दिन में। देखिए ये मिर्च के पौधे, सोच रहे मेहनत करेंगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ तो फल। अब ले चलता हूँ आपको मैं दूसरे खेत में, जिसमें मैंने देसी खीरा और बाकी सब्जियां वो रखी है, तो चलते हैं। तो आ गए हूँ मैं पांचवे खेत पे, दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या बो रखा है। खीरा वगैरह सब बो रखे हमने इसमें, तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें हमने बो रखा है खीरा, ये है खीरा, देसी खीरे की बेल है ये, और ऊपर को आ रही है, कुछ दिन में ही हो जाएगी बड़ी। और ये हमारे जो होते हैं घिया वगैरह,
ये चचिंडे की बेली वाली, इसके सपोर्ट भी लगा दिया, ये वाला सपोर्ट के ऊपर, ये वाली जा रही है बेल देखिए ऊपर, मजबूत सपोर्ट लगाइए, और खीरा के ऊपर ये सपोर्ट लगाइए ऊपर, इसके ऊपर चली जाएगी बेल तो खीरे वगैरह ऊपर ही लगेंगे। और ये चचिंडे की है, और नीचे जो छोटी सी है वो तोरी की अभी हो रही है वो सामने, और ये है मूली, देसी मूला। ये मैंने भिंडी के भी पौध थोड़ी बहुत लगाई है इसमें, ये देखिए ये भिंडी का पौधा, ये वाला, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी, ये भी भिंडी है, इसमें तो छोटी छोटी भिंडी लग भी रही है अभी। ये देखिए ये है सीताफल की बेल, ये वाली, और ये है हमने बो रखा है पुदीना, पुदीना ये अपने आप उग जाता है, एक बार थोड़ा सा बो दिया देखो कितना सारा हो रहा है पुदीना। ये हमारा नींबू का पेड़, नींबू लगे हैं इसमें बहुत सारे, देखिए ये है हमारा आड़ू, आड़ू अभी हुए नहीं खाने लायक, छोटे छोटे हैं तो हो जाएंगे कुछ दिन में, लगे तो काफ़ी सारे हैं। तो दोस्तों एक बार और दिल से धन्यवाद आप सबको, जो भी मेरी YouTube फैमिली से जुड़े हुए हैं आप लोग, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, और सब्सक्राइब जिसने नहीं भी किया है उनको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो इसीलिए मेरे व्यूज इतने आते हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो करते हैं समाप्त, वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, अगर आप नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, धन्यवाद।